हेलो गाइस, दिस इज माय न्यू आरटीएक्स 4060 ग्राफिक कार्ड। ये मैंने अमेजोन से खरीदा है। सो लेट्स सी, यूज प्रोडक्ट तो नहीं दे दिया कहीं अमेजोन वालों ने। एक साइड से तो सील लग रहा है, एक साइड से नहीं लग रहा है। इधर से नहीं लग रहा तो इसे खोल के देखते हैं भाई। कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा कि भाई यूज किया होगा इन्होंने इसका मेन। ओ ये अच्छा है भाई। जो लास्ट टाइम मैंने ग्राफिक कार्ड खरीदा था इनो 3D का, सॉरी गैलेक्स का, उसमें ऐसे था और पन्नी में स्टिकर था। हाँ ये यूज नहीं हुआ भाई, स्टिकर लगा हुआ है इसमें। इसमें इसका वो भी लगा रखा है। सो लेट्स रिमूव दिस स्टिकर। चीर फाड़ करना नहीं चाहता, इस चक्कर से सोच रहा हूँ कि विद ग्लू ये निकल जाए, लेकिन थोड़ा सा फट गया। एनीवेज ये है हमारा ग्राफिक कार्ड। ये मेरे को पड़ा है 30,000 का, एक्चुअली 29,500 का। ग्राफिक कार्ड वेट वाइज भी हल्का ही, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इसकी पीसीबी एक्चुअली में यहाँ तक है बस, और बाकी इसके बाद ये हीट सिंक है। और इसमें 8-पिन पावर कनेक्टर लगेगा। 550 वाट का इसको पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास है जो सिस्टम में वो 500 वाट का। सो लेट्स सी, एक ऑप्शन ये भी है कि इसमें, अच्छा वारंटी का स्टिकर यहाँ भी है, एक वारंटी वर्ड जाएगी अगर इसे रिमूव कर दिया तो। हाँ तो मैं क्या करता कि ना, इस ग्राफिक कार्ड को अगर हम अंडर वोल्ट करेंगे तो हमारे सस्टेन जो पीक परफॉर्मेंस होती है वो भी ज़्यादा रहेगी, एंड क्या बोलते हैं वोल्टेज भी कम खाएगा। तो मेरा उम्मीद कर रहा हूँ कि ये चल जाएगा, उसमें मैं ऐसा चीज़ कोई इशू होगा नहीं। ठीक है गाइज, ये मैंने एक DP पोर्ट का निकाल दिया है। अब इसको मैं अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो गाइस हम इसको इंस्टॉल करने वाले अपने सिस्टम में अभी। तो पहले जो बेसिक कार्ड है इसको मैं निकाल लेता हूँ। एक्चुअली मेरे पास ना GTX 1660 था, वो किसी वजह से ख़राब हो गया अपने आप ही। रात को सिस्टम बंद था, उसमें कैश हुआ है। अब सॉरी, केबल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, बट वो अपने आप से ख़राब हो गया है। और मैं उसको जब लेके गया नेहरू प्लेस बनवाने के लिए, तो कहते हैं रिपेयर नहीं होता। तो मैंने कहा चलो वो जब रिपेयर होगा तब होगा। मैंने कहा आज जगह पता करी, पर वहाँ गया नहीं। मैंने कहा पहले अपग्रेड तो करना ही था मेरे को, तो मैंने कहा अपग्रेड कर लेते हैं और दूसरा सिस्टम बनाएंगे तो उसमें 1660 को यूज़ कर लेंगे बाद में। फिलहाल तो इसको मैंने स्लॉट को अलाइन कर दिया है। ये देखिए इंस्टॉल हो गया है ग्राफिक कार्ड। ठीक है, अब इसमें नट कस दूंगा सो दैट कि ये हिले ना और ये अच्छे से फिट हो जाए। ये मैं यहाँ पे नट कस रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये है 6-पिन कनेक्टर, ये है 8-पिन कनेक्टर, सॉरी टोटल मिल के बनेगा 8-पिन कनेक्टर। तो उसको अपने को इसमें लगाना है। ये ऐसे लगेगा 8-पिन बनके, और इसको अपन ऐसे कर देंगे एंटर। ये लग चुका है, सो फिंगर क्रॉस चलना चाहिए सिस्टम अब। लेट्स सी, चलो इससे मेरे को कंफर्म हो गया। ग्राफिक कार्ड था, लगाते ही ना सिस्टम चालू नहीं होता था, तो ये सिस्टम चालू हो गया। तो यानी कि मेरा सिस्टम, मतलब मेरा ग्राफिक कार्ड में ही इशू था। को देखते हैं सिस्टम बूट हो रहा है। और सॉरी, गलती मेरे से और हो गई कि मैंने ना DVI पोर्ट लगाया नहीं है, इसलिए मेरे मॉनिटर को कोई फुटेज आ नहीं रहा। What the fuck? No signal? What is this?
पावर पिन है ना, उसको चेंज करके देखता हूँ एक बार। वो वाला ये पहले ये वाला लगाया था मैंने, इस वाले को ट्राई करके देखता हूँ कहीं इधर से कोई इशू तो नहीं करके। ग्राफिक कार्ड हाँ, ग्राफिक कार्ड के फैन भी चल रहे हैं, बस डिस्प्ले में आउटपुट नहीं आ रहा है। गाइस थोड़ा सा उंगली करने का मुझे पता चला कि ये मेरी रैम का इशू क्रिएट कर रही है, फॉल्टी है। ये उस सिस्टम में चल रही थी, इस ग्राफिक में आता था चल रही थी, इसके साथ भी चल जाएगी। सिस्टम बंद तो नहीं होता कहीं एकदम से लोड पे आके, तो वो ये चल रहा है सिस्टम। और जो ग्राफिक कार्ड है वो अपना मतलब जो बूस्ट स्पीड है 27 मेगाहर्ट्ज़ का प्रॉपर पूरा हिट कर ही रहा है लगभग, और जीपीयू पे ज़्यादा लोड नहीं, 56% है। रीजन भी ये 1080p चल रही है गेम, ज़्यादा रेजोल्यूशन होता तो और ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा,
बस वही देख रहा हूँ, बाकी तो सब कुछ चल रहा है। तो अगर आप भी कोई ऐसा नया ग्राफिक कार्ड लेते हो तो इन चीज़ों को थोड़ा देख लेना। कई बार ना मल्टीपल चीज़ें एक साथ दिमाग खराब करती, तो आपको एक एक करके डायग्नोस करना पड़ेगा कि क्या इशू है, क्या इशू है, क्या नहीं है। और आपको ये बताऊँ तो ये जो वाली केबल है ना, जो मैंने इसको लगाया था, जैसे मेरा पहला वाला ग्राफिक कार्ड हुआ था इधर, मतलब ये स्ट्रिप वाली लाइट है ना इधर जो जल रही है, वो चलते ही बंद आता था। तो मुझे शक हुआ कि यार फिर वही इशू हो रहा है, मेरे पावर सप्लाई में कोई इशू नहीं है, बट मेरा सिस्टम चालू आ रहा है। जब मैंने केबल चेंज करी तो उनका यानी कि कुछ और इशू होगा, इसको थोड़ा ढंग से देखते हैं। हालांकि अभी चल गया, कोई इशू होगा तो मैं जरूर पोस्ट करूँगा। तो थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो में आपसे।